कैथल शहर में जिला प्रशासन की तरफ से दो बसों का संचालन शुरू किया गया है। एक बस महिलाओं के लिए तो दूसरी बस आम नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इन बसों का शुभारंभ आज विधायक लीलाराम व उपायुक्त प्रदीप दहिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। बस पास बनवाने वाले बच्चों के लिए यह बस सेवा फ्री होगी और दूसरी सवारियों के लिए न्यूनतम किराया रखा गया है। एक बस बस स्टैंड सचिवालय पेवा चौक पुराना बस स्टैंड से चंदाना गेट तक तो दूसरी बस जो लड़कियों के लिए है वह बस नए बस स्टैंड से सचिवालय पेवा चौक आरकेएसडी कॉलेज से अंबेडकर कॉलेज तक चलेगी। इस प्रकार का प्रयास ये मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और कैथल वासियों की तरफ से भी हमारे डीसी हैं आदरणीय छोटे भाई प्रदीप दहिया जी और हमारे जीएम हैं गर्ग साहब, इनको दोनों को भी बधाई देता हूं और इनकी मैं इस शब्दों में प्रशंसा भी करूंगा कि इनकी सोच है ये कि कैथल के लोगों को शहरी नागरिकों को ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से सेवा दी जाए और उनको मैं कहूंगा कि किराया रूपी उसमें भी उनको राहत दी जाए और ये एक अच्छी सोच है और ये पूरे हरियाणा में भी सरकार की सोच है। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने सभी कॉलेजों में बेटियों को कॉलेज तक लाने के लिए उनको घर तक छोड़ने के लिए 680 बसों का प्रबंध किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाणा सरकार का मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। देखिए जिला प्रशासन को बच्चे मिले थे एक डेढ़ महीने पहले कि जो हमारे जो लोकल रूट्स हैं शहर के अंदर के वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके पास पास बना हुआ है लेकिन फिर भी उनको ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, निजी वाहन से आते हैं या फिर मान लीजिए ऑटो हैं वगैरह, दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, खड़े रहना पड़ता है। तो जैसे विधायक जी से डिस्कशन किया गया, विधायक जी से डिस्कशन करके रूट चार्ट बनाया गया जीएम साहब के साथ बैठ के, तो ये लोकल जो बस सेवा है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हमने शुरुआत की है ताकि फंड्स का इशू कोई ना हो और जब पास बनवाया है बच्चों ने उनको उसका फ़ायदा मिले। माननीय विधायक जी ने फिर एक बात और कही कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एक बस होनी चाहिए, इसलिए दो बसों की शुरुआत की गई है और जीएम साहब ने बिल्कुल एश्योर किया कि इसको वायबल बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे व्यवहार के साथ अच्छे एनर्जी के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे शहरवासियों को फ़ायदा होगा। जो पैसे लगने हैं वो रेट्स जो रोडवेज के होते वही होंगे, जिनका पास बना उनके लिए वो फ्री हो जाएगी। सर कुछ साल पहले जो है उनकी आशंका है कि कभी विद्या वाहिनी बंद कर दिया जाएगा। विद्या वाहिनी एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, खुद का देन ऑफिसर ने लिया था, इसमें हमने यही ध्यान रखा है कि फंड्स की कमी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए और जीएम साहब ने जैसा एश्योर किया है इसमें जैसे जनरल पब्लिक यूज़ करेगी पैसे देगी तो उसका खर्चा निकल जाएगा। इससे हम प्रॉफिट की नहीं सोच रहे, इससे हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव किया गया। बिल्कुल जनरल पब्लिक के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए कोई बस नहीं है, नहीं दो बस चली है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी और किस किस टाइम चलेगी? विधायक साहब और माननीय विधायक साहब श्री लीलाराम जी गुजर और श्री प्रदीप दहिया जी उपायुक्त कैथल, इनके आशीर्वाद से आज दो बस सर्विस कैथल को नई सेवा के रूप में मिली है। ये बस सर्विस बस स्टैंड से लेकर मिनी सेक्रेट होते हुए पेवा चौक आरकेएसडी कॉलेज विश्वकर्मा चौक से होते हुए चंदाना गेट तक जाएगी। जो सामान्य बस है जनरल बस है ये उसका रूट है और जो लड़कियों का रूट है उसमें बस स्टैंड कैथल से अंबेडकर कॉलेज एडिशनल उसमें ऐड हो जाएगा और इसका जो किराया है वो वही है जो सरकार की हिदायतों के अनुसार फिक्स किया हुआ है। इसमें लड़कियां जो स्कूल या कॉलेज में जाती हैं जिनका फ्री का पास है उनके लिए ये बस निःशुल्क होगी। अन्य जो भी महिलाएँ होंगी वो भी स्पेशल लड़कियों वाली बस का इस्तेमाल कर पाएंगी, उनका किराया वो होगा जो सामान्य बस का किराया होगा। इस लोकल बस सर्विस के लिए 0 से 5 किलोमीटर तक 5 रुपया, 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक 10 रुपया और 11 से 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपया सरकार की हिदायतों के अनुसार फिक्स किया हुआ है।